देशभर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। दिल्ली पंजाब में दिख रहा है रेल रोको आंदोलन का असर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, कृषि कानून के खिलाफ जताया विरोध। हरियाणा में किसानों का रेल रोको आंदोलन, पलवल में रेलवे ट्रैक पर बैठे सैकड़ों किसान। अमृतसर में रेल की पटरियों पर लेटे आंदोलनकारी किसान, कृषि कानून के खिलाफ की नारेबाजी। पटना में जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर किया विरोध प्रदर्शन, किसानों के रेल रोको को जाप का समर्थन। देश में किसान संगठनों का रेल रोको प्रदर्शन जारी, जम्मू में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी किसान। पुणे रेलवे स्टेशन पर शेतकारी किसान संगठन लेफ्ट और कांग्रेस एनसीपी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर चाक चौबान सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली के नांगलोई स्टेशन पर भारी फोर्स तैनात। दिल्ली बॉर्डर के आसपास के स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त। महापंचायत के जरिए किसानों के बीच पैट बनाने में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा, कल प्रियंका मथुरा में करेंगी किसान पंचायत। ग्रेटर थनबर्ग टूलकिट मामले में आरोपियों के फाइनेंशियल एंगल की होगी जांच, साजिश में निकिता जैकब का बड़ा रोल, मोहन धालीवाल के करीबी पुनित से निकिता का चैट रिकवर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रिफ्यूजी के घर पहुंचे अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ खाया खाना। बंगाल में अमित शाह ने फिर लगवाए जय श्री राम के नारे, बोले बीजेपी के दबाव में ममता कर रही सरस्वती पूजा। ममता बनर्जी पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले 130 कार्यकर्ताओं की शहादत नहीं जाएगी बेकार, सरकार बनते ही सड़कों से गायब हो जाएंगे टीएमसी के गुंडे। गृहमंत्री अमित शाह गंगा सागर किए दर्शन, बोले गंगा सागर का दर्शन सौभाग्य की बात। गंगा सागर में अमित शाह ने कपिल मुनि आश्रम में की पूजा, कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ में आरती में भी हिस्सा लिया। गृहमंत्री अमित शाह भारत सेवा आश्रम में उन्होंने पूजा अर्चना की। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, मंत्री जी और उनका भतीजा घायल, अस्पताल में भर्ती। बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन की हालत स्थिर और खतरे से बाहर, हाथ में बैंडेज लगाया गया, डॉक्टर्स ने दी जानकारी। ममता के मंत्री पर हमले को बीजेपी ने बताया प्रशासन की चूक, कहा ये ममता जी और टीएमसी का आपसी मामला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा जारी, शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर हमला किया। कोलकाता में काकुरगाछी के फूल बागान में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में हिंसा, टीएमसी एमएलए परेश पाल ने समर्थकों के साथ किया हमला। शुभेंदु अधिकारी और शंकुदेव की गाड़ी पर भी टीएमसी समर्थकों ने किया हमला और पथराव, बाल बाल बचे शुभेंदु अधिकारी। हमले में नॉर्थ कोलकाता के बीजेपी प्रेसिडेंट शिवाजी सिंगा रॉय गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल जाकर बीजेपी नेता शिवाजी राय से की मुलाकात, अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा ये पार्टी लोगों के बीच सिर्फ लड़ाई करवा रही है। असम को पीएम मोदी ने दी माँ बाऊ ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की सौगात, पीएम बोले कनेक्टिविटी से असम के विकास को लगेंगे पंख। कोरोना के नए स्ट्रेन से अलर्ट, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 134 नए मामले आए सामने। मुंबई में फिर लग सकता है लॉकडाउन, कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के चलते सरकार ले सकती है फैसला। कोरोना के बाद अब इबोला का खतरा, गयाना और कांगो में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए WHO ने 6 अफ्रीकी देशों को किया अलर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए तस्करों के पास से 4500 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद। लगातार 10 दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 32 पैसे लीटर महंगा, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के करीब। भारत ने OPEC देशों से तेल उत्पादन में कटौती घटाने को कहा, कीमतें बढ़ने से आर्थिक रिकवरी और डिमांड पर बताया असर। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कानून व्यवस्था, किसान और महंगाई पर विरोध। यूपी विधानसभा से SP, BSP और कांग्रेस ने किया वॉकआउट, 22 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। इससे पहले विधानसभा के बाहर SP का हंगामा, गन्ना लेकर विधानसभा में घुसने की कोशिश, रोकने पर गेट पर चढ़कर लहराए झंडे। यूपी के उन्नाव में जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 3 नाबालिग लड़कियां, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। खेत में दुपट्टे से बंधी मिली थी लड़कियां, दलित परिवार की बताई जा रही 3 लड़कियां, जानवरों का चारा लेने खेत में गई थी। उन्नाव में जोर जबरदस्ती के बाद दोनों लड़कियों की हत्या की आशंका, गंभीर हालत में तीसरी लड़की अस्पताल में भर्ती। उन्नाव मामले में DGP ने दिए सख्त निर्देश, आला अफसरों ने लिया घटनास्थल का जायजा, जांच के लिए 6 टीमें गठित।
विकास दुबे के करीबी रहे जय वाजपेयी पर शिकंजा कसेगा कानपुर विकास प्राधिकरण। जय वाजपेयी के मकान को ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा, 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं भेजा तो चलेगा बुलडोजर। आज से 23 फरवरी तक यूपी एसटीएफ की कस्टडी रिमांड में होगा पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ। एसटीएफ की पूछताछ में कई अहम खुलासों की संभावना। चमोली हादसे के बाद से ही तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज सुबह एक और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। बदायूं के रजिस्ट्रार ऑफिस में दो पक्षों में जमकर मारपीट, अफरा तफरी का माहौल, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में चार्जशीट दाखिल, दो इंजीनियर समेत 6 लोगों को बनाया गया आरोपी। अखिलेश सरकार में हुआ था 800 करोड़ का घोटाला। यूपी के उन्नाव में सांड के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने सांड की भी पीट पीट कर की हत्या। सीधी बस हादसे में सीएम का ताबड़तोड़ एक्शन, एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर निलंबित, रोड मेंटेनेंस अधिकारी और सीधी आरटीओ भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। सीधी बस हादसे में अब तक 51 यात्रियों की मौत, 3 लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीड़ितों को 7-7 लाख की आर्थिक मदद। मुरैना में कांग्रेस पर्यवेक्षक की बैठक में विधायक कार्यकर्ता के बीच नोकझोंक, जमकर हुआ हंगामा, कार्यकर्ता ने कहा बिक जाते हैं पार्षद। डबरा और भितरवार के सरकारी अस्पतालों का ग्वालियर कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, चिन्नौर में गैर हाजिर कर्मचारियों की काटी सैलरी, सरकारी दवाइयां मिलने पर निजी मेडिकल स्टोर किया सील। एमपी में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का सीएम शिवराज को लिखा पत्र, सब्सिडी का बकाया 16,000 करोड़ देने की मांग, वित्तीय स्थिति खराब होने का दिया हवाला। भोपाल में कुख्यात बदमाश के ठिकाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने इरफान के 3 मंजिला अवैध मकान को किया जमींदोज। छत्तीसगढ़ में एफसीआई का पुराने बोरी में चावल लेने से इनकार, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र को पत्र लिखकर मांगी अनुमति, दोहरी नीति अपनाने का आरोप। जबलपुर में तेल की बढ़ती कीमतों पर अनोखा प्रदर्शन, बारात में शामिल कारों को लगाया धक्का, केंद्र से कीमतें कम करने की मांग। जयपुर में बेरोजगारों का प्रदर्शन जारी, अनशन पर बैठी 2 महिला अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबियत, एक महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया था। पिंक सिटी में पटवारियों का प्रदर्शन जारी, 2 दौर की वार्ता रही बेनतीजा, 1 मार्च से कार्य बहिष्कार की घोषणा। अजमेर में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग, हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल, अजमेर रेंज आईजी ने जांच के आदेश दिए। नागौर में खरनाल के होटल में फायरिंग, कार सवार बदमाशों ने किया हमला, घायल युवक को जोधपुर किया रेफर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू, 24 मार्च तक चलेगा सत्र, कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। मुंगेर में आधा दर्जन घरों में लगी आग, 14 मवेशियों की झुलस कर मौत, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बिहार में रुक नहीं रहा है शराब की तस्करी का खेल, पालीगंज में एक घर से 50 पेटी शराब बरामद, 15 लाख बताई जा रही है कीमत। बिहार के छपरा में शोक सभा में हर्ष फायरिंग, बीजेपी नेता की मां के निधन पर मातम में शामिल लोगों ने की फायरिंग। निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया 2022 में कांग्रेस की जीत का आगाज, कहा शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जनता ने नकारा। सुखबीर बादल बोले अकाली कार्यकर्ताओं ने डटकर किया मुकाबला, कांग्रेस ने धनबल और सरकारी मशीनरी का किया इस्तेमाल, साथ ही कहा 2022 में कांग्रेस का सफाया तय। कांग्रेस ने गुंडागर्दी के दम पर जीता चुनाव, नेता विपक्ष हरपाल चीमा का आरोप, का पारदर्शी होते चुनाव तो कुछ और होते नतीजे।